साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल पर जो 11,098 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है, उसके लिए साथियों हमने जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट कर दिया है। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा, और अगर आपने क्लास 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा, तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो साथियों, पहला प्रश्न है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविज़न भी हो सके। तो इटली की बात करें तो इटली की राजधानी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इटली की राजधानी है रोम, और इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है याद कर लीजिए, ये सफ़ेद लिली है। तो अगर आपने यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, सफ़ेद लिली। चलिए दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र की। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, याद रखिएगा। और इसका हेड क्वार्टर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्थित है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, और साथियों बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा सेशन को देखें और डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद कर लीजिए, ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। देखिए ऑप्शन बी में है बेंगलुरु, तो ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। चलिए आगे देखिए, धालो खाली स्थान एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कहाँ पर? टेलीग्राम का, और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, धालो जो है ये किस राज्य का लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। कहाँ का है? तो गोवा का है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? चलिए पांच के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, और साथ ही यहाँ से आपको कुछ प्रश्न बता देते हैं। जैसे गोवा की बात करें तो इसकी राजधानी पणजी है, और गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो 1961 में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखेंगे। गोवा जो है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, और जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे तो सिक्किम है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जो है जनवरी 1935 में किया गया था। कब? तो जनवरी 1935 में। चलिए आगे देखिए, 8 मई को मनाया जाता है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, 8 मई को मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, विश्व दूर संचार दिवस, इसे भी नोट कर लीजिए, 17 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस पूछे तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए,
संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो प्यारे साथियों, संघीय मंत्री परिषद की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है, तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा की बात करें तो इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इस पहली बैठक में जो अध्यक्ष चुना गया था वो कैसा था? तो अस्थाई, यहाँ पे लिख देते हैं, अस्थाई अध्यक्ष था, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर ठीक दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और इस बैठक में अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। कैसा? अस्थाई, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। गोवा राज्य ये किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए। गोवा का क्षेत्राधिकार जो है ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछे कौन सा है, यानी कि पुराना हाईकोर्ट, तो याद रखिए कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ये भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो 3 फरवरी, पूरा डेट याद रखना है, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और कॉपी में लिखते भी जाना है, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा और वो नोट्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखिए। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली ये कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? देखिए, भारत में अभी टोटल 28 राज्य है और 8 क्या है, तो संघ शासित क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है। तो बताना है कि दिल्ली जो है ये कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है, तो याद रखिएगा 7। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कितने? तो 7, याद रखिएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या जो है ये 19 है, और दिल्ली जो भेजता है 7 भेजता है। चलिए यहाँ से बिहार की बात कर लेते हैं। अगर बिहार में पूछे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो नोट कीजिए, लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में 243 है, और विधान परिषद सीटों की संख्या बिहार में 75 है। और साथियों, जो विधान परिषद है, विधान परिषद ये सभी राज्यों में नहीं है, ये वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही है। और कौन कौन से राज्य है आगे आपको बताएंगे। चलिए आगे देखिए। भारत में उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, इसके प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी मुख्य न्यायाधीश? तो फातिमा बीबी। लेकिन हाई कोर्ट में पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीला सेठ। कौन बनी थी? लीला सेठ। चलिए आगे देखिए। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर ले। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? V.S. रमा देवी। कौन? तो V.S. रमा देवी, सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए, आप लोग एक प्रश्न का आंसर बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति आपको बताना है। आइए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
देखिए, कल वाली क्लास में हमने आपको बहुत बार बताया है मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहीं पर भी नहीं था। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो ये 1976 में। और कौन सा संशोधन हुआ था, तो देखिए 42वां, नोट करते जाइए आप लोग भी। तो एक 42वां संशोधन होता है 1976 में, इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था, और अभी वर्तमान की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और इस प्रकार वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। तो इन सभी फैक्ट को आप लोग नोट करते जाइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सही जवाब है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी ये सभी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, राज्यसभा जो है संसद का, याद रखिएगा ये अपर हाउस है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और इसका गठन पहली बार कब किया गया था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 3 अप्रैल 1952 को। कब, 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो याद रखिएगा 12 सदस्यों को। कितने, तो 12 सदस्यों को। सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आइए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लें, बार बार पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में। तो आइए बेसिक की बात करें, पंचायती राज सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959। नोट करते जाइए, पंचायती राज जो है ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर में लागू हुआ। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछ सकता है कौन था, तो आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। और इससे संबंधित भाग पूछे तो भाग 9 है, अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची, ये पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, तो 73वां संशोधन। सभी फैक्ट को नोट कर लीजिए। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करते चलें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो प्यारे साथियों, वर्धमान ट्रॉफी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो चलिए आंसर बता देते हैं। याद रखिएगा ये प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ ये 27 देशों का एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक मंच है। और यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय होता है। कौन, तो यूरोपीय आयोग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय आयोग।
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा जा रहा है, तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में, 1951 से लेकर 56 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। इन सभी फैक्ट को याद कर लीजिए। आगे देखिए, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो साथियों, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना है? तो मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। गोदावरी नदी की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? तो ये नीचे जो साइड मैप है इसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो स्थल तीन ओर से पानी से घिरा हो। तो नीचे हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी और इधर अरब सागर, तो तीन ओर से घिरा है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऐसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ध्यान रखना है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो कौन सी मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त होती है? तो यह है चिकनी मिट्टी। अच्छा, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? और जितने भी प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का। ये तो बहुत ही सिंपल है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। और रेड क्लिफ रेखा जो है ये 1947 में खींचा गया था। कब? तो 1947 में। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन की परत होती है? अब ओजोन लेयर की बात करें तो ये इसका काम क्या है? तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, जैसे परावैगनी किरणें हो गया, तो इसको रोकती है। और ओजोन की बात करें तो ये ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि ओजोन का फॉर्मूला पूछे तो O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, नोट करते जाइए, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है, इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो हिमालयी नदियां सदाबहार है, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये गलत है, क्योंकि हिमालयी नदियां जो होती है बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और इसका एग्जाम्पल है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो सी ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है। किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा धान की फसल में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और धान की बात करें तो इसमें एक बीमारी होता है, कौन सा? खैरा रोग। और यह किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। आर्द्रता का मापन सामान्यतः से किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और किसके बीच में लड़ी गई थी? देखिए, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोदी वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश है लोदी वंश। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश पूछे तो गुलाम वंश है।
जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, और लोदी इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था बाबर के द्वारा, और इसी के बाद 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा 1761 में। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया है, जिसमें सबसे लंबा शासनकाल है मोहम्मद बिन तुगलक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में क्षेत्र को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, मुंबई और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंसी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजमनामा खालिस्तान एक फारसी अनुवाद है, तो किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है रजमनामा? तो याद रखिएगा, महाभारत का। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। उपनिषद टोटल कितने हैं? तो 108 उपनिषद है। वेद टोटल 4 है, पुराण 18 है। इन सभी को ध्यान रखें, वेदांग 6 है। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो किस इमारत का निर्माण किया गया, इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, इंडिया गेट। इसका निर्माण 1931 में हुआ था, इंडिया गेट का। शुरुआत में इसका नाम क्या था इंडिया गेट का? तो ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल शुरुआत में नाम था, बाद में से इंडिया गेट कर दिया गया। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। और यहाँ जो मूर्ति है गोमतेश्वर मूर्ति, ये बनी है ग्रेनाइट से। किससे बनी है? ग्रेनाइट से। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा, नाना साहब नहीं था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी, तो महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। सभी को ध्यान रखें। और महायान शाखा जो है ये किस धर्म का है? तो बहुत ही सिंपल है, बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो 37 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मुबारक खां। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? तो सरदार सरोवर ये बांध, ये नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर? तो गुजरात में। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, लेकिन सबसे अधिक जो मिलता है गुजरात को। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप थे कौन? तो प्यारे लाल, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। केकड़े खालिस्तान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे साथियों, केकड़े जो होते हैं किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑर्थोपोडा संघ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने भले ही 40 प्रश्नों को कवर किया है, लेकिन प्रत्येक प्रश्नों के साथ लगभग हमने 5 से 6 एक्स्ट्रा फैक्ट को बताया है, और बीच बीच में ऐसा भी प्रश्न था जिसमें हमने लगभग 10 एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आज हमने 70 से 80 प्रश्नों को कवर किया, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताए हैं आपको नोट जरूर करना है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और साथियों सेशन को शेयर करना ना भूलें।